अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सूफियाना अमल। क्या आप चाहते हैं खाए पिए जादू को बाहर निकालने के लिए? अगर किसी शख्स ने किसी शख्स को जादू करवा कर के कुछ खिला दिया है या कुछ पिला दिया है, आप चाहते हैं कि उसका खाया पिया हुआ जादू बाहर निकल जाए या जादू अंदर ही ख़त्म हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो तावीज़ मैं आपको पेश करूँगा जादू को बाहर निकालने के लिए या जादू को ख़त्म करने के लिए, खाए पिए जादू को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन कामयाब ख़ास पावरफुल मुजर्रब तावीज़ है। बहुत ही प्यारा खूबसूरत वीडियो है। आपसे गुजारिश करते हैं वीडियो को दिल से लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबा करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद वाला आइकन घंटे का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारे दुश्मन ऐसा करते हैं कि जादू करवा कर शमशान घाट की राख वगैरह या किसी मीठी चीज़ पर या किसी हराम चीज़ पर जो है जादू करवा करके जो है अपने सामने वाले को खिला देते हैं, जिसके ज़रिए से जो है सामने वाला इलाज तो करवाता है मगर इफाका नहीं होता, आराम नहीं मिल पाता। क्योंकि जब तक जिस्म के अंदर जो चीज़ चली गई है या तो वो बाहर निकल जाए या फिर वो अंदर ही नष्ट हो जाए तभी उसको आराम मिलता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको जादू करवा करके कुछ खिलाया जाता है, काफ़ी इलाज करवाते हैं, बाहर से तो उनका इलाज होता है मगर अंदर जो चीज़ पेट में गई हुई होती है वो चीज़ बाहर नहीं निकलती है, जिसकी वजह से जो है मरीज़ को इलाज करवाने के बावजूद भी जो है आराम नहीं मिल पाता। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम खाए पिए जादू को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन कामयाब ख़ास पावरफुल मुजर्रब तावीज़ आपको दे रहे हैं। ये तावीज़ जो है आब हयात से कम नहीं है। आप इस तावीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका असर खुद आप अपनी आंखों से देखेंगे। चलिए बहरहाल सबसे पहले मैं आपको तावीज़ लिखने का पूरा तरीका बता देता हूँ, उसके बाद तावीज़ का इस्तेमाल का तरीका आपको बताने वाला हूँ। तावीज़ जो है अब आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपको इस तरीके से नोखाने बना लेने के हैं। बनाने के बाद सबसे पहले ऊपर जो है आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, फिर अंदर के आदाद आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है। पहले खाने में यहाँ पर आपको लिखना है 34233, यहाँ पर आपको लिखना है 34234, फिर यहाँ पर आपको लिखना है 34235, यानी कि ये तावीज़ जो है अब आपकी स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है ये मिसाली तावीज़ है। असल तावीज़ जो आपको मैंने पहले बता दिया ये है। इस तावीज़ चाल के साथ में जो है तावीज़ आपको मुकम्मल करना है। अब याद रहे कि आपको मुकम्मल किस तरीके से करना है कि जिसके जिस्म पर जादू का असर हो गया तो इस शख्स के लिए जो है ये तावीज़ को जो है रोज़ाना चीनी की प्लेट पर लिखकर दिन में 3 मरतबा जो है आपको मरीज़ को पिलाना है, जिस्म से जादू के असरात बिल्कुल निकल जाएंगे और उस शख्स को मुकम्मल शिफा मिल जाएगी। चीनी की प्लेट बड़ी आसानी के साथ मार्केट के अंदर जो है आपको मिल जाएगी और वो चीनी की प्लेट लेकर के जो है चीनी की प्लेट पर ही तावीज़ आपको लिखना है। फिर उसको आपको सादा पानी से, बेहतर है कि अगर आबे जमजम आपको मिल जाए तो आबे जमजम से जो है प्लेट को धोकर के जो है मरीज़ को पिला दें। सुबह में एक तावीज़ लिखें वो पिला दें, दोपहर में एक तावीज़ लिखें फिर पिला दें, शाम में एक तावीज़ लिखें फिर पिला दें। इस तरीके से 3 दिन तक आपको लगातार लिखना है और मरीज़ को पिला देने का है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रब के फजल से 3 दिन नहीं गुजर पाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो जादू के असर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और मरीज़ को शिफा मिल जाएगी। बेहतरीन कामयाब ख़ास पावरफुल मुजर्रब तावीज़ है, ज़रूर आजमाएं, फ़ायदा उठाएं। हमारा काम था वीडियो आप तक पहुंचाना। आपसे गुजारिश करते हैं वीडियो को दिल से लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबा करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद वाला आइकन घंटे का बटन ज़रूर दबा दें। हम दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, अल्लाह ताला आपकी और आपके परिवार की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।